यहां रतलाम में बीती रात दो पक्षों के बीच विवाद होने से तनाव फैल गया। शादी के बाद जुलूस निकालने के दौरान मंदिर के सामने आपत्तिजनक गाने बजाने और डांस करने की बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस विवाद में कई लोगों को चोटें भी आई है। वहीं पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। दरअसल ताल थाना इलाके के कोठड़ी गांव में जाकिर मेव के बेटे की शादी पिछले वर्ष लॉकडाउन में ही हो चुकी है, लेकिन अब वह जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान मंदिर के सामने DJ पर आपत्तिजनक गाने बजाने पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और दो पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके चलते 6 लोगों को गंभीर चोटें भी आई है और 1 गंभीर घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए मोर्चा संभाला। पुलिस ने मामले में 7 नामजद और 2 अन्य सहित कुल 9 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और आम लोगों से किसी भी तरह की अफवाह के झांसे में न आने की भी अपील की है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना कल प्रकाश में आई है, लगभग रात में 10-11 बजे की घटना है और इसमें दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और झगड़ा भी हुआ है, जिसमें कुछ लोगों को चोट भी आई है दोनों तरफ से। इसमें तत्काल ताल से पुलिस फोर्स पहुँच गया था, आसपास के थाने से भी फोर्स पहुँचा दिया गया, साथ ही साथ तत्काल वहाँ पे SDOP और SDM ने पहुँच कर स्थिति को कंट्रोल में रखा हुआ है। रात में कलेक्टर साहब और मैं भी स्वयं मौके पर गए थे और वहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत भी की, जहाँ पे जिन लोगों को चोट लगी, जिन परिवारों में ये हुआ है लड़ाई झगड़ा, उनसे बात की है और उसके सभी चीज़ों की विवेचना चल रही है। उसमें स्थिति अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है और इसमें ये बात समझ में आई है कि विवाह में जो बिंदुली निकल रही है उसको नहीं निकलने देने या उसको निकलने देने के बीच में जो कहा सुनी हुई या विवाद हुआ है, ये इसके मूल में देखा जा रहा है। इस तरह की 5-6 और भी घटनाएं, जैसा आपके ध्यान में होगा, किन्हीं अन्य समाज के बीच में आई हैं और मैं सभी से अपील ये करता हूँ कि इस तरह की कोई भी जानकारी या किसी तरह का विवाद या किसी तरह का मतभेद यदि आपके स्थानीय कहीं ग्रुप में या ग्राम में हो तो तत्काल उसको पुलिस प्रशासन के राजस्व के संज्ञान में लाइए, जिससे कि उसमें तत्कालीन उसमें इंटरवीन करते हुए उसका निराकरण किया जा सके। इसमें किसी भी स्तर पे स्वयं विवाद में पड़ने पर दोनों पक्षों पर ही तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उसको बहुत ही सख्ती से हम लोग देख रहे हैं। अधिकारियों ने बड़ी संख्या में गांव में पुलिस बल तैनात किया, जिसके बाद गांव में पूरी तरह से शांति है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, रतलाम।